लेट अस नाउ सी ऑप्शनल एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 4th. उन्होंने उसमें हमको ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि स्ट्रेट रो हाउसेस है. पहला जो हाउस है उसका हाउस नंबर 1 है, नंबर प्लेट पे 1 लिखा हुआ होगा. सेकेंड हाउस है उस पर नंबर प्लेट पे 2 लिखा हुआ होगा, फिर 3, 4 सो ऑन अप टिल 49. टोटल देर आर 49 हाउसेस. तो लास्ट हाउस जो है उस पर नंबर 49 लिखा हुआ होगा. ये सब के सब टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है. पहला टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 1 है. उन्होंने ये बोला है कि बीच में एक हाउस नंबर मिलेगा आपको X, कि उसके पहले के जितने भी नंबर प्लेट्स हैं उनको अगर आप ऐड करो, इसके बाद के जितने नंबर प्लेट्स हैं उनको अगर आप ऐड करो, तो ये जो सम है ये इक्वल बनेगा. सो यहाँ से लेकर नंबर प्लेट का यहाँ तक का जो सम है, इट विल बी इक्वल टू X माइनस 1 हाउस नंबर से लेकर 1 तक का सम. दिस सम इज इक्वल. ये तो सम निकालना बहुत ईजी है, 1 से लेकर X माइनस 1. ये क्या है? सम ऑफ फर्स्ट X माइनस 1 टर्म्स ऑफ अ AP. क्योंकि ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड दिस इज X माइनस 1th टर्म. तो S ऑफ X माइनस 1 ये वाला जो सम है उसको आप ऐसा लिख सकते हो. अब ये वाला सम कैसे निकालें? हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक का सम लगाएंगे. वो क्या होगा? 1, 2, 3, 4 अप टिल 49. सम ऑफ फर्स्ट 49 टर्म्स ऑफ दिस AP और उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 से लेकर X तक का सम. क्योंकि हमको यहाँ से लेकर ये वाला सम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से लेकर 49 तक का सम लगाएंगे. S49 माइनस करेंगे यहाँ तक का सम. ये जो लेवल है यहाँ तक, इसके पहले का सारा सम लगाएंगे. अब ये क्या है, 1, 2, 3 अप टिल SX. दिस इज SX, सम ऑफ हाउस नंबर्स टिल X द हाउस. तो हमने टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाया S49, माइनस करेंगे 1 से लेकर X, तो हमको ये सम मिल जाएगा इन हाउस नंबर्स का. अब उन्होंने कंडीशन ही दी हुई है कि ये वाला सम और ये वाला सम दोनों इक्वल हो, ऐसा हमको X निकालना है. फाइन, तो हमारे पास अब हम क्या करेंगे, S ऑफ X माइनस 1, इधर इस टर्म को हम लोग लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे, प्लस SX इज इक्वल टू S49. सम ऑफ फर्स्ट N टर्म्स ऑफ AP, वो फॉर्मूला लगाओ, X माइनस 1 बाय 2 a पहला टर्म यहाँ पे क्या है, 1, यहाँ पे जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें पहला टर्म 1 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस भी 1 है. तो ये S ऑफ X माइनस 1 का एक्सप्रेशन हमने लिख दिया. अभी S X का एक्सप्रेशन लिखेंगे, X बाय 2 a प्लस X माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस इज 1. ओके, दिस इज इक्वल टू S49 इज इक्वल टू S49 का फॉर्मूला क्या होगा, 49 बाय 2, 2 a का वैल्यू 1 है, प्लस 49 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस इज 1. तो एंटायर एक्सप्रेशन ऐसा दिखेगा हमको. अब इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे आएगा X माइनस 1 बाय 2, यहाँ पे है 2, प्लस X माइनस 2, X बाय 2, यहाँ पे है 2, प्लस X माइनस 1 इज इक्वल टू 49 बाय 2, यहाँ पे है 2, प्लस 49 माइनस 1, X माइनस 1 बाय 2, माइनस 2 प्लस 2, सो यू गेट X ओवर है, प्लस X बाय 2, यहाँ पे आएगा X प्लस 1, 2 माइनस 1 इज 1, इज इक्वल टू 49 बाय 2, 2 प्लस, नाउ 49 माइनस 1 इज 48, यहाँ पे आएगा 48. अब इसके भी डिवीजन में 2 है, यहाँ पे भी डिवीजन में 2 है, ये हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, प्लस ये एक्स को भी अंदर शिफ्ट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवीजन में 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या आएगा, 49 बाय 2 इंटू 50. तो ऐसे टर्म्स हमको मिल रहे हैं. आगे और इसको सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, 2x square by 2 is equal to 49 into 25. ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, x square is equal to 49 into 25. Square root ले लो, x is 7 into 5. 5 7s are 35. So house number 35 है कि जिसके पहले जो हाउस नंबर है उनके नंबर प्लेट का सम और 35 के आगे उन हाउस नंबर्स का सम इक्वल होगा. मतलब बीच में एक 35 नंबर की हाउस है, उसके जस्ट पहले वाला नंबर प्लेट होगा 34 एंड सो ऑन अप टिल 1.
तो 1 से लेकर 34 का जो सम अगर आप लगाओ और फिर यहाँ पे 36 से लेकर आगे 49 तक इन हाउस नंबर का सम लगाओ, ये सम और ये सम आपको इक्वल मिलेगा। 35 इज द मिडिल मोस्ट है।